सब्सक्राइब कीजिए 06 स्टडी पॉइंट को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रिक्रूटमेंट और एग्जाम अपडेट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू 06 स्टडी पॉइंट और आज हम पढ़ेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स का पार्ट टू। इससे पहले वाला जो था आपका कंफ्यूजिंग वर्ड्स, हमने उसमें कहे थे कंफ्यूजिंग वर्ड्स वो पार्ट वन था, उसमें मैंने आपको बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स कराए थे जो कि आपको जो प्रोनाउंसिएशन में सेम होते हैं बट उनका मीनिंग अलग होता है, ठीक है। सो आप उनको सही जगह पे सही तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, कौन कौन से आपके वर्ड्स होते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ चल रही है। इससे पहले मैं आपको सिक्स्थ लेक्चर है। इससे पहले मैं आपको पांच लेक्चर करा चुका हूँ, ये आपका सिक्स्थ होगा, ठीक है गाइस। तो ये आपका सिक्स्थ लेक्चर है, इससे पहले पांच करा चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके उन पांचों को पढ़ सकते हैं, उसमें मैंने अब तक आपको वर्ब कराई है, कन्फ्यूजिंग पेयर्स कराए हैं, उसमें क्विजेज भी कराई है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके DRDO के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन उसमें कवर कराए हुए हैं, ठीक है। वर्ब कहाँ पर यूज होती है, किस तरह से यूज होती है, वो सभी मैं आपको बता चुका हूँ। और अब हम पढ़ते हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, ठीक है। सो सबसे पहला वर्ड है आपका एडवाइस और एडवाइस। हमने पिछले सेशन में, इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, उसमें भी क्या था, सेम ही था, उसमें भी सी और एस का डिफरेंस था, इसमें भी सी और एस का डिफरेंस है, दोनों चीज़ें सेम है, वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस था, ये एडवाइस एडवाइस है, ठीक है। सो एडवाइस का मतलब होता है सलाह, ठीक है, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और एडवाइस का मतलब जिसमें एस आता है, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, ठीक है गाइस। एडवाइस का मतलब सलाह होता है, मतलब एक सिंपल वर्ड सलाह, एडवाइस का मतलब सलाह देना। सलाह देना मतलब क्या हुआ, आपका कोई वर्क हुआ, और जहां पे वर्क की बात होती है, क्रिया की बात होती है, वहां पे क्या आता है आपका वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंप्लेन और कंप्लेंट। कंप्लेन मतलब होता है शिकायत करना, ठीक है, शिकायत करना, तो ये आपका क्या हो गया वर्ब, ठीक है। समवन इज कंप्लेनिंग अबाउट मी, तो ये आपका क्या हुआ कंप्लेन, और दूसरा क्या हो आपका कंप्लेंट, शिकायत, लाइक आप किसी की कंप्लेंट करते हो, ठीक है, तो वो हो गई आपकी शिकायत कि मैं कंप्लेंट करने जा रहा हूं, तो वो हो गया आपकी शिकायत, मैं कंप्लेंट यहां पे वर्ड हुआ, ठीक है। और कंप्लेन करी किसी के बारे में, लाइक समवन इज कंप्लेनिंग अबाउट मी, कंप्लेन आया, तो वहां पे क्या हुआ शिकायत करना, तो वो आपका वर्ब हुआ। नेक्स्ट देखते हैं एश्योर एंश्योर इंश्योर, ठीक है, इसका क्या मतलब है, फर्स्ट का मतलब है तसल्ली देना, एश्योर का मतलब तसल्ली देना, एश्योरेंस देना, ठीक है। सेकंड है आपका इंश्योर, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, एक फर्म डिसीजन देना, ठीक है, बिल्कुल इंश्योर करना, ठीक है, सुनिश्चित करना। लास्ट है आपका इंश्योर, इंश्योर मतलब पता ही होगा, इंश्योर कहाँ से बना है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मतलब बीमा कराना, तो मतलब इंश्योर का मतलब क्या होता है, बीमा कराना। नेक्स्ट है गाइस आपका हियर और लिसेंट। हियर और लिसेंट में क्या अंतर होता है, आइए देखते हैं। हियर और लिसेंट, हियर का मतलब होता है सुनना, ठीक है, हियर का मतलब होता है सुनना, और लिसेंट का मतलब होता है ध्यान से सुनना। दोनों में डिफरेंस क्या है, हियर का मतलब होता है सिर्फ सुनना, आपने किसी की वॉइस सुन ली बस, बट जब आप किसी चीज को नोटिस करके सुनते हो, मतलब बिल्कुल ध्यान देके, लाइक आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, आप टीचर की बात पे ध्यान दे रहे हो बट आपका फ्रेंड आपके साइड में से बात कर रहा है आपसे, ठीक है, तो आप उसको इग्नोर करना चाहते हो, तो आप उसकी बात सिर्फ सुन रहे हो बट टीचर की बात पे आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है, तो ध्यान से सुन रहे हो, टीचर की बात को आप क्या कर रहे हो, आप लिसन कर रहे हो, आप टीचर की बात को सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, बट अपने फ्रेंड की बात को आप सिर्फ सुन रहे हो, सॉरी बट ऐसा होता नहीं है, उल्टा ही होता है यहाँ पे, ठीक है, बट आप एग्जाम्पल के तौर पर लो, आप टीचर की बात को ध्यान से सुन रहे हो, अपने फ्रेंड की बात को सिर्फ सुन रहे हो, तो जो आप फ्रेंड की बात कर रहे हो वो आप हियर कर रहे हो, अपने फ्रेंड की बात को हियर कर रहे हो और टीचर की बात को लिसन कर रहे हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको लिसन करना है, ठीक है, हियर नहीं करना है यहाँ पे, अब मैं आपको जो बताऊंगा वो आपको लिसन करना है, हियर नहीं करना, ठीक है। एग्जाम्पल आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, लाइक मूवी, ठीक है, आप मूवी देखने जाते हो, सो आपके आसपास में लोग बातें कर रहे होते हैं आप, ठीक है,
आपके आसपास में जितने भी बाकी लोग बैठे होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं, तो आप उनकी बात को हियर करते हो, बट जो एक्टर्स जो मूवी में बातें जो भी डायलॉग्स बोल रहे होते हैं आप उसको लिसेंट करते हो, ठीक है? आप जो आपके आस पड़ोस में लोग बैठे हैं आप उनकी बात को हियर करते हो, और जो मूवी में एक्टर्स बात कर रहे हैं आप उनको लिसेंट करते हो, मतलब ध्यान से सुनते हो, ठीक है? अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका प्रिस्क्राइब और प्रोस्क्राइब। डिफरेंस क्या है? ओ का फर्क है, ई हटके ओ आ जाएगा, ठीक है? देखते हैं, प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, क्या चीज लेनी है या फिर क्या चीज नहीं लेनी, ठीक है? क्या चीज करनी है या फिर क्या चीज नहीं करनी। लाइक डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन देता है, तो आप बोल, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि ये आपको खाना है, ठीक है? और डॉक्टर ने आपको प्रोस्क्राइब किया है, प्रोस्क्राइब किया है कि ये चीजें आपको नहीं खानी, प्रिस्क्राइब किया है कि ये चीजें खानी है, प्रिस्क्राइब, और प्रोस्क्राइब किया है ये चीजें आपको नहीं खानी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका अडोप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट, ठीक है? इसमें ओ आ गया, इसमें ए आ गया और इसमें ई आ गया। अडोप्ट, अडोप्ट का मतलब क्या होता है? अडोप्ट का मतलब सबको होता है, गोद लेना, अडेप्टेशन, ठीक है? ये नेक्स्ट हो गया आपका अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को किसी भी सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेना। लाइक आप पहले बहुत रिच थे, ठीक है? आप पहले रिच थे बट सडनली कुछ सरकमस्टांसेस आए जिसकी वजह से आप थोड़े पुअर हो गए, ठीक है? आप एकदम पुअर वाली कंडीशन में आ गए, बट आपने क्या किया, आपने कोई भी मतलब हाइपर नहीं हुए। लाइक आप जिस सिचुएशन में आए, आप जैसे अच्छी कंडीशन में थे पहले, आप रिच थे, बट आप पुअर, जैसे आप पुअर हुए, गरीब हुए, सो आपने उस आप अपने आप को उस कंडीशन में ढाल लिया, ठीक है? लाइक आपने उस सिचुएशन को भी आपने अपने आप को उस सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कर लिया, ठीक है? तो यहाँ पे आ गया आपका अडेप्ट। लास्ट है आपका अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है निपुण होना किसी चीज़ में, या किसी भी चीज़ में निपुण होना, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है गाइस आपका कंपोज और कंप्राइज, ठीक है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कंपोज मतलब होता है किसी चीज को बनाना, ठीक है? कंपोज मतलब होता है किसी चीज को बनाना। लाइक आपने क्या बनाया, लाइक सॉन्ग, सॉन्ग की क्या होती है, कंपोजिशन होती है, सॉन्ग कंपोज किया जाता है। बट कंप्राइज क्या होता है, कंप्राइज होता है छोटी छोटी चीजों को मिलाकर एक बड़ी चीज बनाना। लाइक जो मूवी होती है, ठीक है, मूवी बनती है, एक्टर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्ट्रेस, आर्टिस्ट और भी डिफरेंट आर्टिस्ट, सॉन्ग, जितनी भी चीज़ होती है उन सबको मिक्स करके, छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर आपकी एक बड़ी चीज़ बनाई जाती है, तो उसको बोलते हैं कंप्राइज, ठीक है? कंपोज क्या होता है, एक सिंगल चीज़ को कंपोज करना। सॉन्ग क्या होता है आपका, सॉन्ग को पूरा कंपोज किया जाता है, वो एक सिंगल होता है और उसको कंपोज किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएट और डेप्रिशिएट। पहले मैं आपको डेप्रिशिएट बताता हूँ, डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, डेप्रिशिएट का मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू कम होना। ये शायद आपको पता ही होगा, एक नॉर्मल सा वर्ड है डेप्रिशिएट, आपका होता है किसी भी चीज़ की वैल्यू कम होना। जैसे आपने कुछ चीज़ खरीदी, आप सोच रहे थे कि उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी अब से 2 साल बाद, बट क्या होता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है पहले से, ठीक है? उसकी क्या वैल्यू हुई, उसकी जो वैल्यू थी वो कम हो गई, तो मतलब उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, ठीक है? डेप्रिशिएट होता है, डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट होता है हेट करना, किसी से नफरत करना, हेट करना, ठीक है? अब आता है एक लास्ट वर्ड, इसमें बहुत ज्यादा डाउट होता है बच्चों को, सो इसके बारे में देखते हैं। ये आपका सिंक और ड्राउन, सिंक और ड्राउन कहाँ और कब और किसके लिए यूज होता है, ये देखते हैं। सिंक जो यूज होता है आपका, सिंक और ड्राउन दोनों चीज, दोनों वर्ड डूबने के लिए यूज होते हैं, बट किसके लिए यूज होते हैं और हम इसको याद कैसे कर रखेंगे उसकी ट्रिक भी मैं आपको बताता हूँ। सिंक मतलब होता है डूबना, किसका डूबना, जब कोई नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग डूबती है आपकी, तो वो होती है, वो सिंक के लिए यूज होता है, ठीक है? बट जब आपकी कोई लिविंग थिंग डूबती है, ड्राउनिंग, तो वो आपके लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, ठीक है? ड्राउन आपका लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, सिंक आपका नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। सो क्या करेंगे, जैसे आपका एग्जाम्पल हुआ, शिप का एग्जाम्पल ले लो, शिप सांक,
शिप क्या होता है? संक होता है, ड्राउन नहीं होता शिप, ठीक है? शिप संक, तो यहां पे क्या हुआ आपका, दो एस आ गए, शिप संक, एस 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 का साउंड हो रहा है, तो एस क्या हो गया आपका, एस स्क्वायर, ठीक है? शिप संक, इससे आप याद रख सकेंगे कि नॉन लिविंग थिंग सिंक शिप के लिए आता है, शिप के आपका नॉन लिविंग थिंग है, आपको एस स्क्वायर याद रखना है, ठीक है? शिप क्या होता है आपका, संक होता है, ठीक है? शिप संक और ड्राउन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, ड्राउन जो भी, अगर कोई लाइक शी इज ड्राउनिंग, ही इज ड्राउनिंग, ठीक है, तो वो क्या यूज होगा आपका, ड्राउन यूज होगा आपके लिविंग थिंग के लिए। सो विद दैट सेड, दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस, यहीं पे आपके कंफ्यूजिंग वर्ड्स खत्म होते हैं। इसके बाद जो आपके नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपकी क्विज आएगी, मैं आपके एक क्विज, एक अच्छी से क्विज बना के अपलोड करूंगा, उसको साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है गाइस? सो अब तक ये आपका सिक्स्थ लेक्चर था या फिफ्थ लेक्चर था, जो भी लेक्चर था, आप इनको सभी को प्लेलिस्ट से कवर कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, सारी वीडियोस दो दो तीन तीन बार देखिए, ज़रूरी नहीं है कि बार बार नेट से देखें, आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब पर डाउनलोडिंग फीचर होता है, वहाँ से वीडियो डाउनलोड कीजिए और उसको देखिए, ठीक है? अपना डेटा वेस्ट मत कीजिए, ठीक है? तो क्या करना है, वीडियो डाउनलोड करके उसको बार बार देखिए, ऑफलाइन बार बार देखते रहिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जो भी मैंने अपनी कॉपी में लिखा है, जो भी लिख के आपको पढ़ाया है, वो सभी अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, एक कॉपी बनाकर, उसमें अपने इंग्लिश ग्रामर की कॉपी बना के सारे नोट्स बना लीजिए और फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए। अगर आपके पास कोई इंग्लिश ग्रामर की बुक है, सो जो भी क्वेश्चंस हैं आपके पास उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कोई क्वेश्चन अटकता है, नहीं सॉल्व होता, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको वो क्वेश्चन बता दूंगा, अगर मैंने कमेंट पढ़ा पॉसिबल होगा। नॉर्मली मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, मैं जब भी फ्री होता हूँ कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ और सॉल्व ट्राई करता हूँ कि सभी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँ, किसी को किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है गाइस? उसी के साथ अगर आपको किस आपका किसी चीज़ किसी और चीज़ का एग्ज़ाम है, कोई और एग्ज़ाम है और आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, जैसे ही मेरे पास टाइम होगा मैं उस सब्जेक्ट पर, उस टॉपिक पर लेक्चर बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है? और आपको पता कैसे लगेगा मैंने अपलोड किया, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबाना होगा, जिससे आपको मेरे चैनल की सभी लेक्चर्स की, रिक्रूटमेंट अपडेट्स की, एग्ज़ाम अपडेट्स की, जितनी भी वीडियोज़ होती हैं सभी की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, जैसे ही वो अपलोड होती है। अब चाहे वो इंग्लिश ग्रामर की हो, एप्टीट्यूड की हो, रीजनिंग की हो, अभी जो मेरे चैनल पे मोस्टली चल रहा है वो सभी डीआरडीओ से रिलेटेड चल रहा है, बट अगर कोई एग्जाम अपडेट होता है तो वो भी आता है, सब कुछ आता है, ठीक है गाइस? अगर आप चाहते हो कि आपको टाइम टू टाइम सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और लेटेस्ट रिक्रूटमेंट, न्यू गवर्नमेंट जॉब के सारे अपडेट्स मिलते रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अगर वो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, तो उनके साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक है? और उनसे बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई डाउट है तो उसको पूछिए। अगर आप मुझको मेल करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के अबाउट में मेरी मेल आईडी दी, आप मुझसे वहाँ से कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है? मेल के थ्रू आप मुझसे कोई भी अपने डाउट पूछ सकते हैं, बुक के एक पेज की फोटो भेज के मेरे, मैं जब भी फ्री होऊंगा मैं उसको सॉल्व करके ट्राई करूंगा, आपको वापस रिप्लाई करूं, ठीक है? अगर अगर पॉसिबल होगा तो मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आपको भेजूं, ठीक है? अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि मैंने किसी के कमेंट का रिप्लाई ना किया हो, शायद रह गया हो तो, या तो एक दो गलती से रह गया होगा, मैं सभी का करता हूँ, ठीक है गाइस? तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, ठीक है? उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।